श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किक केसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। हिंदी उपन्यास के सीरियल में अभी हयग्रीव स्तोत्र का 16वां श्लोक से 5 श्लोक की एक ग्रुप है, उस 5 श्लोक को अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। 16वां श्लोक शुरू करते हैं। 16वां श्लोक इस प्रकार है। स्वामिन् भवध्यानसुधाभिषेकात् वहन्ति धन्याः पुलकानुबन्धम् अलक्षिते क्वापि निरूढमूलम् अंगेष्विवानन्दथुमङ्कुरन्तम्। ये 5 श्लोक की जो एक श्रृंखला है, एक अत्यद्भुत अनुभव प्रदान करने वाली है। अगर आप बहुत ध्यान से सुने और इसी प्रकार अपने आचरण में भी रखें तो हम लोगों के हृदय में इतना बड़ा आनंद की अनुभूति होगी जिसे हम अलौकिक आनंद से थोड़ा सा ही कम महसूस करेंगे। इतना सुंदर भगवान वेदांत देशिक जी का अनुभव है हयग्रीव भगवान के बारे में। कहते हैं इस श्लोक में, धन्य लोग जो बहुत पुण्यशाली भाग्यशाली लोग हैं, उन लोगों के लिए किस प्रकार की आनंदानुभूति भगवान हयग्रीव भगवान का ध्यान करने से होता है, उसके बारे में इस श्लोक में प्रकाश डाल रहे हैं। स्वामिन् भवध्यानसुधाभिषेकात् वहन्ति धन्याः पुलकानुबन्धम् अलक्षिते क्वापि निरूढमूलम् अंगेषु इव आनन्दथुम् अंकुरन्तम्। इस प्रकार पदच्छेद है। फिर से एक बार ध्यान से पदच्छेद सुने। स्वामिन् भवध्यानसुधाभिषेकात् वहन्ति धन्याः पुलकानुबन्धम् अलक्षिते क्वापि निरूढमूलम् अंगेषु इव आनन्दथुम् अंकुरन्तम्। हे स्वामिन्, ऐसा भगवान हयग्रीव भगवान को संबोधित करते हुए, हे हयग्रीव स्वामी, धन्याः जो भाग्यशाली और अत्यधिक पुण्य किए हुए होंगे तो वे भवध्यान सुधाभिषेकात्, आपका ध्यान जो है ना, वो किस प्रकार उसका वर्णन करें, आपका ध्यान को एक प्रकार का वर्णन करना है तो उसे कह सकते हैं कि अमृत में एक बहुत बड़ा अभिषेक करने जैसा है आपका ध्यान, क्योंकि आपका किरण एकदम सफ़ेद है, आपकी मूर्ति एकदम स्फटिक जैसा शुद्ध स्वरूप है, और स्फटिक जैसा स्फटिक पर्वत का के समान उसका दिव्य किरण जो है वो एक अमृतमय किरण, चंद्र का किरण जिस प्रकार अमृतमय होता है उसी प्रकार, हे हयग्रीव भगवान, आपकी जो मूर्ति से निश्चंद होने वाली जो तेजस है, वो जो रश्मि है, किरण है, वो एक प्रकार की अमृत धारा है। भव ध्यान, आपका ध्यान करना ही एक बहुत बड़ा अमृताभिषेक है, अमृत में स्नान करने जैसा है। और उससे क्या होता है, अमृत में स्नान करने से क्या चेतन को क्या आनंद हो सकता है कि वो कहीं नहीं सकते हैं, कहाँ उसका आनंद का की अनुभूति होती है, वो आनंद का उद्भव उद्गम स्थान क्या है ये कोई नहीं जान पाता है, क्योंकि अलक्षिते क्वापि निरूढमूलम शब्द से वो कहना चाहते हैं कि कहीं कहाँ ये आनंद का की अनुभूति होती है ये अलक्षित है, कहीं देख नहीं पाएंगे हम लोग। आनंद तो होती है, शायद वो हृदय गुहा में अंतर्वर्ती भगवान हयग्रीव भगवान की जो तपस्या करने की वजह से वहाँ एक आनंद अनुभूति होती होगी, शायद अलक्षिते क्वापि कहीं इस हृदय गुहा में, क्योंकि हिता वहाँ बहुत सारे नाड़ी हैं, उस नाड़ियों में कौन से नाड़ी में ये इस आनंद की अनुभूति होती है कोई कह नहीं सकते हैं, इसलिए अलक्षिते क्वापि निरूढमूलम शब्द से
क्या कहना चाहते हैं। और वहाँ जिसका मूल कहीं अलक्षित स्थान पे है, जिसका कारणभूत जो अंकुर यानी या उत्पत्ति स्थान, जिसका कंदमूल, कंद कहाँ है, कंदमूल इस आनंदानुभूति का उत्पत्ति स्थानभूत कंदमूल कहाँ है, ये अलक्षित है, किसी को भी मालूम नहीं है। अर्थात हृदय पुंडरीक में भगवान को ध्यान करने की वजह से जो आनंद होता है और जो अमृत धारा में स्नान करने जैसा आनंद की अनुभूति होती है, वो हृदय में कहाँ से उत्पन्न होता है ये किसी को पता भी नहीं चलेगा। ऐसा अंगेशु अंकुरंत, ये किस प्रकार इसकी तुलना किया जा सकता है कि हम सामान्य अनुभूति करते हैं ना, एक आनंद अनुभूति करते हैं, छोटा सा बच्चा है, पौत्र है, उस पौत्र को बहुत दिन से देखा नहीं है एक दादा, और उसको अगर देख लें तो उसको उठा लें अपने गोद पे, किस प्रकार की आनंद अनुभूति होती हो, ये लौकिक आनंद की एक सामान्य उदाहरण है। परंतु ये लौकिक आनंद की ही इतनी अनुभूति हम लोगों को महसूस कर हो पाता है कि उस आनंद का की अनुभूति होती है, सामान्य एक पौत्र को अपने गोद में बिठाने से जो आनंद होती है वो अंगेशु अंकुरंतम आनंद थुमिव है। सो अपने शरीर में जिस प्रकार आनंद, आनंद थू का मतलब है एक आनंद का आनंद की अनुभूति से, और एक पुलकानुबंध होता है का मतलब अपने शरीर में रोमांच होता है, रोमांचित हो जाते हैं, और हेयर स्टैंड्स ऑन इट्स एंड बोलते हैं, गूस फ्लैश बोलते हैं अंग्रेजी में, अर्थात अपने शरीर में जो रोमांच होता है और जो रोम रोम में एक प्रकार की रोम खड़े हो जाते हैं सामान्य भाषा में कहना है तो, और उसी प्रकार की अनुभूति हृदय गुहा में कहीं ना कहीं एक कोने पर उसी प्रकार की एक झलक मिलती है, और इस भगवान हयग्रीव भगवान का ध्यान करने की वजह से जो अमृत धारा में स्नान करने जैसी की अनुभूति हो, वो हृदय गुहा में कहीं कोने पर ऐसी अनुभूति होती है जिस प्रकार लौकिक आनंद की वजह से हम अपने शरीर में पुलकांकित का महसूस करते हैं, उस प्रकार हृदय गुहा में कहीं ना कहीं एक कोने पर उसी प्रकार की आनंद की अनुभूति है ग्रीव भगवान के ध्यान करने से मिलती है, ऐसा बोलने के द्वारा। और एक अलौकिक आनंद की अनुभूति है ग्रीव भगवान के ध्यान करने की वजह से होना, इस को प्रकाश डालते हैं वेदांत देशिक जी, जो स्वयं हयग्रीव भगवान के उपासक रहे और बहुत ध्यान करने की वजह से जो उनकी अनुभूति हुई है उसे शब्द रूप में और अपने लोगों को भी कहते हुए दिखाई देते हैं इस श्लोक में, कि ये मनुष्य वाणी से इसकी अनुभूति के बारे में हम बोलना असंभव है कि ध्यान करने की वजह से शायद कोई ना कोई महान व्यक्ति को, पुण्यशाली व्यक्ति को यह अनुभव अगर मिल जाए, जिसकी झलक को भी हम अपनी वाणी से नहीं बोल सकते हैं, परंतु वेदांत देशिक जी जैसे महान व्यक्ति इसे इस शब्द रूप से कहने के लिए प्रयास किए हैं जो हमें अनुभव करने लायक है। इतना आनंद की अनुभूति हमें इस श्लोक को सुन के ही होता है, भले उस आनंद की अनुभूति होती या होगी या कैसे होगी उसका हम अनुमान भी नहीं कर सकते हैं भले, परंतु इस श्लोक से ही इतनी आनंद की अनुभूति होती है, जिसे इस श्लोक को पढ़ने से हम लोग सब महसूस करें ऐसी भावना से फिर से एक बार श्लोक को बोलता हूँ। स्वामिन् भवध्यान सुधाभिषेकात् वहन्ति धन्याः पुलकानुबन्धम्। पुलकानुबन्धम् धन्याः वहन्ति यानी वो अपने शरीर में धारण करते हैं, यानी शरीर का अलंकार यही है, वस्तुतः आभूषण अलंकार नहीं है, ध्यान की वजह से जो पुलकांकित होते हैं हृदय के कोने में वो एक अद्भुत आभूषण है, जिस आभूषण को पहनने वालों की नज़र में एक प्रकार की ऐसी झलक मिलती है जो आभूषणों के द्वारा नहीं मिलता हो, और हृदय गुहा में विराजमान उस परमात्मा को सदा धारण करने वाले जो लोग, ध्यान करने वाले लोगों की जो
जो महसूस होती है उनके हृदय गुहा में, उसका झलक उनके शरीर के अवयवों में दिखाई देता है। वो स्वयं भी हयग्रीव भगवान की जैसी ही थोड़ा सा झलक पा लेते हैं। ऐसा अनुभव भी हम लोगों को अपने आचार्यों के दर्शन करने वाले लोगों को होता होगा। स्वामिन भवध्यानसुधाभिषेकात् वहन्ति धन्याः पुलकानुबन्धम् अलक्षिते क्वापि निरूढमूलम् अंगेष्विवानन्दथुमङ्कुरन्तम्। अर्थात अन्वय इस प्रकार समझना है, स्वामिन धन्याः भवध्यानसुधाभिषेकात् अलक्षिते क्वापि, किसी एक कोने पर, निरूढमूलम्, वहाँ उत्पन्न होने वाली है, वहाँ उसका जड़ है। अंगेशु अंकुरंतम आनंद तुमिव, ये सामान्य उदाहरण है, शरीर में होने वाला जो पुलकांकन है अथवा रोम खड़े हो जाना जैसे एक अनुभव को हृदय कहीं एक ऐसी जगह पे पा लेते हैं जो गुप्त हृदय गुहा में वर्तमान है। पुलकानुबंधम धन्याः वहन्ति, ये सामान्य लोग नहीं कर पाते हैं। जो धन्य लोग हैं, पुण्यशाली लोग हैं, भाग्यशाली लोग हैं, वो हयग्रीव भगवान के ध्यान से पा लेते हैं। ऐसा जिस आनंद की झलक मात्र हम लोगों को अनुमान करने लायक इस श्लोक में अभिव्यक्त है। आगे का श्लोक देखेंगे। स्वामिन् प्रतीचा हृदयेन धन्याः त्वद्ध्यानचन्द्रोदयवर्धमानम् अमान्तमानन्दपयोधिमन्तः पयोभिरक्ष्णां परिवाहयन्ति। स्वामिन् प्रतीचा हृदयेन धन्याः त्वद्ध्यानचन्द्रोदयवर्धमानम् अमान्तम् आनन्दपयोधिमन्तः पयोभिः अक्ष्णां परिवाहयन्ति। सामान्य रूप से चंद्रोदय से समुद्र उछाल, समुद्र में जो उछाल दिखाई देता है उसको हृदय में रख लीजिए, अभी भावित कर लीजिए, अनुभव पा लीजिए उसका, क्योंकि पौर्णमी के दिन में समुद्र बहुत तेजी से उसका जो लहरें उठते हैं उसका कारण चंद्रोदय को देखकर वो बहुत आह्लादित प्रफुल्लित हो जाता है समुद्र। ऐसा एक अनुभूति लोक दुनिया में है। उसी प्रकार भगवान हयग्रीव भगवान रूपी जो चंद्रोदय है, हृदय गुहा में होने वाला एक चंद्रोदय है, वो मनुष्यों के हृदय में एक बहुत बड़ी लहरों को उत्पन्न करता है जो ही आँख में आंसू के रूप में प्रवाहित होता हो। ऐसा उल्लेख इस श्लोक में बढ़िया जाने, ये उनका आनंद की अनुभूति की प्रक्रिया है। वेदांत देशिक जी जिस प्रकार हयग्रीव भगवान का ध्यान करने से आनंद पाए हैं उसको ऐसे ही शब्दों में निर्वर्णन करते हैं। स्वामिन प्रतीचा हृदयेन, देखिए सुपर शब्द है, शब्दों का चयन इतना अद्भुत है, और मैं स्वयं ही इसमें संतुष्ट हो गया हूँ। ये आप लोगों को पता ही चलता होगा कि ऐसे श्लोक मिलना बहुत मुश्किल है। स्वामिन हे हयग्रीव भगवन, क्योंकि इस दूसरे श्लोक में भी 16वां श्लोक जैसा ही स्वामिन शब्द से पुकार रहे हैं। प्रतीचा हृदयेन अंतर्दृष्टि, यानी बाहर दृष्टि तो है ही, हम सब बाहर भी देखते हैं, और एक्सट्रोवर्ट होने के जैसा इंट्रोवर्ट भी होते हैं। कभी कभी हम इंट्रोवर्ट का मतलब है अंतर्दृष्टि, यानी इंटरव्यू बोलते हैं। आजकल इंटरव्यू शब्द बहुत प्रचलित है, परंतु इंटरव्यू शब्द का मतलब ही नहीं मालूम है, उसको इंट्रू बोलते हैं लोग। क्या क्या बोलते हैं उसको, इंटरव्यू, या उसका बराबर उच्चारण भी नहीं कर पाते हैं लोग। इंटरव्यू बोलना चाहिए, परंतु कोई एक व्यक्ति भी इंटरव्यू नहीं बोलता है। कि ये इंटरव्यू का मतलब क्या है, प्रतीचा हृदयेन शब्द से इधर वेदांत देशिक जी कहते हैं, हम अपने अंदर ही इंट्रोवर्ट होकर, अर्थात अंतर्मुखता, ये बहुत अच्छा शब्द है। हम अभी तो बहिर्मुख होते हैं, व्यावहारिक दुनिया में हम लोग जो व्यवहार करते हैं वो सब बहिर्मुखता होकर करना पड़ता है। बाहर हम ऑफिस जाते हैं, बिजनेस करने वाले अपने दुकान जाते हैं, या अथवा कारखाना जाते हैं, फैक्ट्री जाते हैं, वहाँ के लोगों का निर्वाह करते हैं, उन लोगों के तकलीफ़ों को दूर करते हैं, ये सब 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 बाहर दृष्टि से करना, बाह्य दृष्टि से करना पड़ता है। परंतु प्रातः काल में थोड़ी देर, एक घंटा दो घंटा समय वो बैठकर पूजा करते हैं, उसमें बिल्कुल अंतर्मुख हो जाते हैं कि, और अपने अपने अपनी ही दृष्टिकोण अलग रहता है। अंतर्यामी को, भगवान को ध्यान करने की प्रक्रिया है जिसमें, और भले कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, परंतु वो सब छोड़कर
कि वो पूजा में लग जाते हैं, तब अंतर्मुख हो जाते हैं। ऐसी महसूस करना चाहिए, करने वाले तो करते ही हैं, जो नहीं कर पाते उन लोगों को भी इसमें से प्रेरणा मिलेगी। ये श्लोक भी इतना सुंदर है, स्वामिन प्रतीचा हृदये न, अंतर्मुखता की एक दृष्टिकोण है ना, और प्रतीचा हृदये न धन्या, आपका ध्यान करने की वजह से जो चंद्रोदय जैसा वर्धमान है, चंद्रोदय जिस प्रकार चंद्र के किरण अभिवृद्ध होकर पूरे दुनिया में फैलता है, उस तो ध्यान रूपी जो ध्यान ही एक चंद्रोदय है, उस चंद्रोदय से क्या वर्धमान होता है कि लहर उठता है, अमांतम आनंद पयोधिमंतः, वो जो कितना उछलता है इसका कोई मापक मापदंड है तो नहीं मापदंड है, अमांतम जिसको हम लोग स्केल रखे नहीं, इतना ऊंचा है ऐसा नहीं कर पाते हैं, वैसे अमांतम आनंद पयोधिम, आनंद रूपी जो समंदर है उसका, वो एक हृदय के अंदर ही एक आनंद समंदर हो जाता है, क्योंकि चंद्रोदय है। हृदय गुहा में जो हम ध्यान करने की वजह से अंतर्दृष्टि होकर अंतर्यामी के दृष्टि से हम भगवान हयग्रीव भगवान को ध्यान करते हुए, जो चंद्रोदय की वजह से हम हृदय में जो एक बहुत बड़ा आनंद का लहर उत्पन्न होता है, ऐसा समंदर जो है हृदय रूपी समंदर है, वो जब उठता है तब जाकर आंख में आंसू आती है। ये बाहर जो आंख की आंसू है वो अंदर होने वाला जो एक बहुत बड़ा लहर है, उठने वाला लहर है, आनंद समंदर में से उठने वाला एक लहर है, उसका झलक मात्र है हम जो बाहर दिखाई देती है ये आंसू। ये हृदय गुहा में होने वाला चंद्रोदय अर्थात ध्यान में जो चंद्रोदय है, हयग्रीव भगवान रूपी चंद्रोदय होता है, जिसकी वजह से हमारे हृदय में एक बहुत बड़ा लहर उठता है, वो समंदर में जिस प्रकार होता है चंद्रोदय को देखकर, वैसे चंद्रोदय को देखकर अपने हृदय गुहा में भी एक बहुत बड़ा लहर उत्पन्न होता है, जो ही हम आंख में आंसू के रूप से बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा वर्णन। कितना सुंदर वर्णन है, देखिए कि हमें आनंद आश्रु कभी भी उत्पन्न होता है तो शायद इस प्रकार हम लौकिक आनंद से भी होता हो तो भी एक झलक है वो, परंतु आप इसी अनुभव को हयग्रीव भगवान के आनंद अनुभव अर्थात ध्यान करने के अनुभूति से जो आनंद है उसी को भी पाकर आप लोग महसूस कर सकते हैं कि हृदय गुहा के अंदर एक बहुत बड़ा समंदर है जिसमें लहर उड़ते हैं। वो हयग्रीव भगवान रूपी जो ध्यान करने की वजह से, हयग्रीव भगवान को ध्यान करने की वजह से होता है, वो चंद्रोदय के समान है उस समंदर के लिए, ऐसा अनुभूति करते हुए अभी ध्यान करेंगे हयग्रीव भगवान को। सफ़ेद 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 रहने वाले जो स्फटिक मणिभू प्रतिभटम शब्द से वर्णित है, ऐसे भगवान को ध्यान करेंगे तो आप भी इस प्रकार की आनंद की झलक को पाएंगे। स्वामिन प्रतीचा हृदयेन धन्याः, जब पाएंगे तब आप भी धन्य हो जाएंगे। धन्याः त्वध्यान चंद्रोदय वर्धमानम् अमांतमानंद पयोधिमन्तः पयोभिरक्ष्णां परिवाहयन्ति स्वैरानुभावाः त्वदधीन भावाः समृद्ध वीर्याः त्वदनुग्रहेण विपश्चितो नाथ तरन्ति मायां वैहारिकीं मोहन पिंचिकां ते। फिर से इस श्लोक में भी संबोधन नाथ शब्द से है, वो भी स्वामिन शब्द जैसा ही एक नाथ शब्द है, नाथ का मतलब भी स्वामी ही है, हे स्वामिन ऐसे ही संबोधन है एक ओर से देखा जाए तो। स्वैरानुभावाः त्वदधीन भावाः, पदच्छेद कर रहा हूँ, स्वैरानुभावाः त्वदधीन भावाः समृद्ध वीर्याः त्वदनुग्रहेण विपश्चितः नाथ तरन्ति मायां वैहारिकीं मोहन पिंचिकां ते। सामान्य रूप से हम भगवान श्री कृष्ण को एक मोर पिंच के साथ देखते हैं, दर्शन करते हैं। एक मोर पिंच क्यों लगा रखे हैं कि अपन के हृदयों को अट्रैक्ट करने के लिए भगवान मोर पिंच लगाते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान तो दुनिया में ही भटकता रहता है, दुनिया के में रहने वाले अत्यद्भुत चीज़ों को वो स्पर्श करता रहता है, उन विषयों को वो सुनता सुनाता रहता है,
ऐसे जो लौकिक आनंद में मग्न हैं, ऐसे हम लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए भगवान मोर पिंच को धारण करते हैं। पीकॉक का फेदर को मोर पिंच बोलते हैं ना, वो मोर पिंच का धारण भगवान करते हैं। ये क्योंकि प्रकृति में भी तीन गुण है, तीन रंग है, उसी प्रकार मोर पिंच में भी तीन रंग है, इसलिए ये तीन रंग में सदा के लिए खोए हुए रहने वाले लोगों को और एक तीन रंग वाला एक तिरंगा को दिखाते हुए और अट्रैक्ट करते हैं भगवान। ऐसा मतलब सामान्यतः हम भगवान श्री कृष्ण अवतार में मोर पिंच के लिए हम समझ रहे हैं, परंतु उसी प्रकार ये माया जो है, ये दुनिया में जो माया शब्द से हम अक्सर कहते हैं, वो जैसे अद्वैती कहते हैं ऐसा मिथ्या अर्थ हम नहीं बोलते हैं, परंतु बहुत अट्रैक्ट करने वाले हर तत्व को हम माया बोलते हैं। दुनिया में हम पत्नी को भी माया बोलते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि वो तो माया है भाई, ऐसा बोलते हैं ना दुनिया में लोग, पत्नी को भी बोलते हैं ये तो माया मोह है, ऐसा बोलते हैं ना। उसी प्रकार ये माया को तो पार करना ज़रूरी है, माया को तो पार करने के लिए ही तो सब लोग तैयार तत्पर रहते हैं। ये पुरुष के लिए स्त्री माया होती है, स्त्री के लिए पुरुष माया होते हैं, परंतु दोनों माया से पार करना चाहते हैं। ऐसी हालत में क्या यार उपाय क्या है कि इस प्रकार के धन्य लोग ही माया को पार कर सकते हैं। ऐसा है भगवन् स्वामी स्वैर अनुभवाः, जो जिनकी जो महत्ता के लिए कोई भी रोक टोक नहीं है, ऐसे एकदम बहुत प्रशंसार्ह लोग जो हैं, स्वैर अनुभवाः, जिनके अनुभूतियों को जो कोई भी रोक टोक नहीं है, जिसमें जो प्रतिबंधक नहीं है, ऐसे स्वैर अनुभवाः, और जिनके जिनकी भावनाएं त्वदधीन है, हयग्रीव भगवान साक्षात जिनके मनोभाव को कंट्रोल करते हैं, अर्थात भगवान हयग्रीव ही कंट्रोल डायरेक्टली करते हैं, अथवा हयग्रीव का ध्यान ही उन लोगों को, हृदयारविंद को इतना सुंदर बना देता है, क्योंकि भगवत ध्यान के सिवाय और किसी विषय में विषयांतर में वो प्रविष्ट नहीं होता हो, ऐसे त्वदधीन भावाः कौन है ये विपश्चितः, ज्ञानी लोग हैं ये विपश्चितः के लिए स्वैरानुभावाः त्वदधीन भावाः, ऐसा दो विशेषण कहा गया है। वो और भी एक विशेषण है, समृद्ध वीर्याः, जिनको हृदय में बहुत बड़ा बल है, हृदय बल है, शरीर में बल होना एक एकदम अच्छी बात है, परंतु शरीर बल हृदय बल के बिना कामयाब नहीं पाने में समर्थ होता है, इसलिए वीर्य भी समृद्ध वीर्याः, समृद्ध मनोबल वाले ये होते हैं, क्योंकि उनको बाहर के जो आडंबर हो, बाहर की जो अट्रैक्शन है, वो उनके हृदय को कुछ नहीं छू पाता है। ऐसे लोग ऐसे ज्ञानी लोग समृद्ध वीर्य होकर वैहारिकी मोहन पिंचिकाम, आपकी लीला के लिए रखा हुआ जो प्रकृति है, लोहित शुक्ल कृष्णाम, जो रक्तवर्ण और कृष्णवर्ण और सफ़ेद रंग में, तीनों रंग में मिलता है प्रकृति, वो मोहन पिंचिकाम, और हम सबके हृदय को अट्रैक्ट करने के लिए जो प्रकृति है, प्राकृतिक चीज़ें हैं, वैसे रहने वाला जो भगवान का मोर पिंच जैसा रहने वाला ते मायाम, आपकी माया को आप ही के अनुग्रह की वजह से है, अग्रीव भगवान आपके अनुग्रह के बिना तो संभव नहीं है इस माया को पार करना, तो अनुग्रहेण आपके अनुग्रह की वजह से पार करते हैं, तरंती पार करते हैं, किसको पार करते हैं, ते मायाम तरंती, माया का तरण, तरति शोकम आत्मवित, आत्मवित परमात्मा को जो जानता है वो शोक से बाहर आ जाता है, ऐसा श्रुति भी कहती है, तरति शोकम आत्मवित, ऐसा ऐसे हयग्रीव भगवान के ध्यान करने की वजह से ये माया को पार करके अत्यंत आत्यंतिक सुखरूपी मोक्षानंद को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, जो स्वैरानुभावाः और त्वदधीन भावाः समृद्ध वीर्याः विपश्चितः, ऐसा तीन विशेषण बहुत सुंदर ढंग से इस श्लोक में प्रतिपादित किया है, जो हम लोगों के एट्रीब्यूट के रूप से अर्थात विशेषण के रूप से पाने के लिए प्रयास करना चाहिए। हम भी स्वैरानुभाव बने, अर्थात कोई रोक टोक ना हो अपने ध्यान के बाबत में, अर्थात और वही हमारे लिए एक महत्ता हो,
क्योंकि उनको ध्यान करने के लिए बैठ जाए तो उनको कोई बोलने वाला नहीं है बीच में। ऐसी स्थिति हो, यानी बच्चे हैं, बड़ा गृहस्थी है, गृहस्थ जीवन जी रहा है और उसमें वो चाहिए ये चाहिए, अनेक पत्नी भी होते हैं कभी कभी, और एक एक ओर से खींचते हैं, तो ऐसी हालत ना हो। ऐसे लोग भी धन्य हैं, सो अपने आप निर्वाह कर लेते हैं, उनको ध्यान करने के लिए छोड़ देते हैं, भगवत ध्यान परायण बनकर रिटायरमेंट के जीवन में आनंद से रहते हैं। जो व्यक्ति 60 के ऊपर भी काम करना पड़ता हो तो उसको ये आनंद कहाँ से मिलने वाला है। स्वैरानुभावाः तदधीन भावाः, आपके अधीन जिसका जिसका थॉट प्रोसेस भी आपके अधीन हो जाए, वह भगवान मैं जो सोचना है वो भी आपके अधीन है, तो मेरे लिए तो कुछ है ही नहीं, मेरा कर्तृत्व तो स्वतंत्र कर्तृत्व तो है ही नहीं, स्वातंत्र्य को तो हम त्याग कर लेते हैं। ऐसी हालत में भगवान डायरेक्टली हृदय को कंट्रोल करते हैं। ऐसे त्वदधीन भावाः समृद्ध वीर्याः, अत्यधिक मनोबल वाले जो विपश्चिता ऐसे रहने वाले ही लोगों को ज्ञानी कहलाते हैं। तो ऐसे ज्ञानी लोग आपकी माया रूपी मोहन पिंचिका को पार करके आप ही के अनुग्रह से इस माया को पार करते हैं। ऐसे जो अभिव्यक्ति है इस श्लोक में भाव की बहुत ही सुंदर है, फिर से एक बार श्लोक पढ़ेंगे। इतना अर्थ को मन में रखते हुए अर्थानुसंधान के साथ, स्वैरानुभावास्त्वदधीन भावाः समृद्ध वीर्याः त्वदनुग्रहेण विपश्चितो नाथ तरन्ति मायां वैहारिकीं मोहन पिञ्चिकां ते प्राङ् निर्मितानां तपसां विपाकाः प्रत्यग्रणि श्रेयस संपदो मे समेधि शीरंस्तव पाद पद्मे संकल्प चिंतामणयः प्रणामाः। भगवन हे स्वामिन शब्द को हम इधर भी ले लेना चाहिए, भले है या नहीं, है हे हयग्रीव भगवन, ऐसा ही हम इसमें संबोधन है, क्योंकि तव पाद पद्मे ऐसा तव शब्द है, हे आपके हयग्रीव भगवान आपके चरणारविंद में, ऐसा शब्द का प्रयोग करने की वजह से हे हयग्रीव भगवान ऐसा संबोधन नहीं भी कथित हो तो भी स्वीकार करने लायक है। इसलिए प्राग निर्मिता नाम, प्राक यानी कई जन्मों में, किसी जन्म में निर्मिता नाम अनुष्ठित, जो हमसे अनुष्ठित तपसाम विपाकाः, तपस्या का अभी विपाक परिपाक दशा है, विपाक यानी परिपाक दशा है, वो उसका फल मिलने का समय है। और प्राग निर्मितानां तपसां विपाकाः बहुत सुंदर शब्द है, प्राग बहुत जन्म के पहले, जन्मों में पहले अनुष्ठित जो तपस्या है, आपकी तपस्या है, उसका फल अभी प्राप्त हो रहे हैं विपाकाः, और वो क्या देने वाला है, और अभी तक जो नहीं पाए हैं ऐसा मोक्ष रूपी आनंद को प्राप्त करने में सक्षम रहने वाले हैं। प्रत्यग्र निश्रेयस संपदा, प्रत्यग्र फ्रेश, संस्कृत में फ्रेश के लिए शब्द नहीं है ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, परंतु ये प्रत्यग्र शब्द का प्रयोग कालिदास ने भी कर रखा है और वेदांत देशिक जी भी इस प्रत्यग्र शब्द को फ्रेश ये अर्थ में, अभी तक अप्राप्त, अभी नया नया नया, ऐसा अर्थ में यूज करते हैं। प्रत्यग्र निश्रेयस, निश्रेयस यानी मोक्ष रूपी, निःश्रेयस शब्द का मतलब ही श्रेय, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतत्, प्रेयस यानी इस दुनिया में रहने वाला आनंद को प्रेयस शब्द से कहते हैं, तो मोक्ष में जो आनंद है उसे श्रेयस कहते हैं। दुनिया में मंद अधिकारी लोग प्रेयस की चाह करते हैं, श्रेष्ठतम लोग श्रेयस की प्राप्ति की कामना करते हैं, ऐसा उपनिषद कहता है। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतत् तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः, प्रेयो धीरो श्रेयो धीरो अभिप्रयसो वृणीते, प्रेयो मंदो योगक्षेमाद् वृणीते। ऐसा इस दुनिया में योगक्षेम की प्रार्थना करते हुए मंद लोग, सामान्य बुद्धि वाले लोग, क्या चाहना है, क्या भगवान से प्रार्थना करना है ये भी नहीं मालूम हो ऐसे लोग, मेरे लिए गाय दे दो, मेरे लिए बच्चे दे दो, मेरे लिए घर दे दो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। परंतु श्रेष्ठ लोग क्या करते हैं, श्रेयस की प्रार्थना करते हैं, जो मोक्षानंद की प्रार्थना करते हैं, ऐसा उपनिषद वर्णन करता है। ऐसे विपश्चितः सॉरी प्राग निर्मितानां तपसां विपाकाः प्रत्यग्र फ्रेश, जो निःश्रेयस रूपी संपत्ति को देने वाले हैं, ऐसे देने वाले कौन हैं, वो संकल्प चिंतामणयः,
संकल्प, हम जो चाहते हैं वो फल फल को देने में चिंतामणि के समान, चिंतामणि करके एक मंत्र है, यस चिंतामणि मंत्र चिंतन परहा, ऐसा श्रीहर्ष खुद के बारे में कहता है, जो उज्जैन में वास करता था, अभी भी वहाँ चिंतामणि एक मंदिर भी है। चिंतामणय संकल्प चिंतामणय, अपनी संकल्प अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने में चिंतामणि जैसा एक रत्न जैसा विराजमान, मैं प्रणाम आहा, मेरे जो प्रणाम हैं, मेरा प्रणाम मेरे लिए अभिलषित तत्वों को देने में समर्थ है, आपके चरणारविंद में विहित मेरे प्रणाम मेरे लिए चिंतामणि के समान है, चिंतामणि मंत्र के समान है, चिंतामणि रत्न के समान है, ऐसे मेरा प्रणाम तव पाद पद्मे समेधि शिरण, आपके चरणारविंद में प्रतिदिन वर्धमान हो, हर दिन 4 प्रणाम 8 प्रणाम 12 प्रणाम ऐसा एक एक दिन बढ़ते जाए, ऐसी प्रार्थना श्लोक में की गई है। प्रांग ये सब कैसे प्राप्त हो सकता है, प्रांग निर्मिता नाम तपसाम विपाकः, पूर्व जन्म में अनुष्ठित जन्मांतर में अनुष्ठित जो तपस्या है उसका फल के रूप से ये प्रणाम मैं आप के चरणारविंद में निवेदित कर पाऊँ, नहीं तो प्रणाम करना भी इतनी आसानी नहीं है। कितने तत्व हैं इस दुनिया में, कितने लोग हैं, कौन प्रणाम करने के लिए भगवान के मंदिर में जाता है, कितने लोग प्रणाम कर पाते हैं, प्रणाम करने लायक हम अपने शरीर में भी नहीं रहता है, शारीरिक परिस्थिति भी नहीं रहती है, ऐसी परिस्थिति ना हो, आपके चरणारविंद में मेरा प्रणाम सौंपूं, ऐसी परिस्थिति हो, जो चिंतामणि है संकल्प चिंतामणि है, ऐसे प्रणाम को प्रतिदिन वर्धमान होते जाए, समेधि शीरण एध, एध वृद्धौ धातु है, कितना सुंदर सुंदर धातुओं का प्रयोग करके स्वरूपों को बताते हैं, धातु स्वरूपों को बताते हैं, देखिए वेदांत देशिक जी, प्रांग निर्मितानां तपसां विपाका प्रत्यग्रणि श्रेयस संपदो मे समेधि शीरं स्तव पाद पद्मे संकल्प चिंतामणय प्रणामाः। आगे का श्लोक है, ये 5वां श्लोक है इस श्रृंखला में, इस 5 श्लोक की श्रृंखला में, विलुप्त मूर्धन्य लिपिक्रमाणां सुरेन्द्र चूड़ापदलालितानां त्वदंघ्रिराजीव रजः कणानां भूयान् प्रसादो मयि नाथ भूयात्। नाथ स्वामिन, ये शब्द का प्रयोग यहाँ भी किया गया है, विलुप्त मूर्धन्य लिपिक्रमाणां सुरेन्द्र चूड़ापदलालितानां त्वदंघ्रिराजीव रजः कणानां भूयान् प्रसादः मयि नाथ भूयात्। ऐसी प्रार्थना इस श्लोक में की गई है, क्या देखिए देखिए सुंदर श्लोक, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, विलुप्त मूर्धन्य लिपिक्रमाणां सुरेन्द्र चूड़ापद लालितानां त्वदंग्री राजीव रजः कणानां प्रसादः मयि हे नाथ भूयान् भूयात्। भूयान् प्रसादः मयि भूयात्, अत्यधिक आपकी कृपा का पात्र मैं बनूं, प्रसाद आपका प्रसाद मुझे मिले, कि प्रसाद तो सब लोग चाहते हैं, प्रसाद यानी मतलब है भगवान के मुखार मुखोल्लास को प्रसाद शब्द से कहते हैं, वो प्रफुल्लित हो जाएं, हर्षित हो जाते हैं जाएं, आनंदित हो जाएं हमसे, ऐसी परिस्थिति इधर मांगी गई है, जो प्रसाद, जो भगवान का मुखोल्लास, जो भगवान का आनंद अपने, हाँ ये चेतन मेरे चरणारविंद में समर्पित है, मेरा ध्यान कर रहा है, और ऐसी भावना से जो की गई भगवान का एक चेतन के ऊपर जो आनंद है वो क्या करेगा, वो मूर्धन्य लिपिक्रमाणाम, विलुप्त मूर्धन्य लिपिक्रमाणाम, ऐसा देखिए आपके जो चरणारविंद में रहने वाले जो रजः कण हैं वो वही प्रसाद है, आपके चरणारविंद में रहने वाले चरणारविंद में रहने वाले धूलियां हैं उसकी प्रसाद मेरे लिए बन जाएं। वो चरणारविंद किस प्रकार का सामर्थ्य रखता है अपने में, और अपने चरणार अपने सिर पे लिखा हुआ मूर्धन्य लिपि जो है, अर्थात सिर में लिखा हुआ जो ब्रह्मा जी का अक्षर है, ये पापी हो जाए ऐसी भी भावना से ब्रह्मा जी लिखे हो तो भी उसको विलुप्त करके, लोप बना के उसको निकाल कर पहुँच कर विलुप्त मूर्धन्य लिपि क्रमाणम, मूर्धन्य लिपि को, लिपि का जो क्रम है उसको पहुँच कर उसको दूर करके सुरेंद्र चूड़ापद लालितानाम जो चरणारविंद की रजकण और इंद्र प्रभृति, ब्रह्मा इंद्र महेश प्रभृति लोगों से अपने चरणारविंद में लालित है, ऐसे अपने अपने सिर में लालित है आपके चरणारविंद में रहने वाली धूलियां,
इंद्रादि से आपने अपने सिर पे लालित हो, सिर पे रखे हुए लालन पालन पोषण किए हैं, और ऐसे जो रजह कण हैं तो अंग्री राजीव रजह कणानाम, आपके चरणारविंद जो अरविंद है उसमें से निकलने वाले रजस है, और उस रजस कणानाम, क्योंकि चरण को अरविंद के रूप से रूपण है, चरण की रजह कण को हम उन कमलों की रजह कणों से तुलना करते हैं, क्योंकि कमल चरण बन जाए तो चरण में रहने वाले रजस कमल की रजस जैसा येल्लोइश, और रहने वाले रजस कणानाम भूयान प्रसाद, अत्यधिक जो प्रसाद है संतोष है वो मईनाथ भूयात मेरे में सदा बन जाए, सो दैट मैं ध्यान करने में समर्थ हो जाऊं, आपका साक्षात्कार करने में समर्थ हो जाऊं, और आपका साक्षात्कार करके जिसकी वजह से एक चंद्र चंद्रोदय का अनुभूति हो, जिसके द्वारा मैं मेरे हृदय में रहने वाला एक बहुत बड़ा समंदर गूंज उठें, आवाज़ से गूंज उठें, और उसमें से लहर आकर मेरे आँख के द्वारा बाहर निकले आंसू के रूप से, ऐसे अनुभव को मैं भी पालूं, ऐसी प्रार्थना से श्लोक को समाप्त करते हैं। इस स्तोत्र तो बहुत और 10 श्लोक का है, परंतु इस श्रृंखला में 20वां श्लोक ये है। फिर से एक बार श्लोक को अर्थानुसंधान के साथ हम बोलें। विलुप्तमूर्धन्य लिपिक्रमाणाम सुरेंद्र चूड़ापद ललितानाम त्वदंग्री राजीव रजः कणानाम भूयान प्रसादो मईनाथ भूयात, ऐसे चरणारविंदों का जो प्रसाद है वो मेरे ऊपर पड़े, ऐसी प्रार्थना है। जो चरणारविंद के रजह कण पहले भी बहुत काम कर चुका है, अर्थात सिर में लिपि को भी दूर करके अच्छा लिपि बना दिया है, और सुरेंद्रों के अर्थात इंद्र प्रभृति लोगों के शिरोभूषण बन गया है जो, और ऐसे रजह कणों का प्रसाद मेरे में भी हो जाए, ऐसी प्रार्थना, कितनी सुंदर प्रार्थना है, पांचों श्लोक में की गई है। इस श्रृंखला को जरूर अवश्य अर्थानुसंधान के साथ हयग्रीव भक्ति पाने के लिए अनुष्ठान करें, और हयग्रीव भक्ति पाकर ज्ञान की प्राप्ति की तड़पन रखें, जरूर मोक्षानंद की प्राप्ति की भी तड़पन रखें, ऐसी प्रार्थना के साथ भक्तों से जय श्रीमन्नारायण के साथ विरत होता हूँ। कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः।